अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि अपने देश की जो पुलिस है उसका वर्दी का रंग कैसा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? खाकी वर्दी। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अपने ही कंट्री में एक ऐसा जगह है जहाँ के पुलिस खाकी रंग की वर्दी ना पहनकर व्हाइट कलर की वर्दी पहनते, ऐसा क्यों? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश की पुलिस की वर्दी की जो रंग होती है वो खाकी होती है, तो ये सभी लोगों ने तो देखा होगा। लेकिन अगर आप कोलकाता गए हों तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ की जो पुलिस है वो सफ़ेद कलर की यूनिफॉर्म पहनती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब देश भर की पुलिस खाकी रंग की वर्दी पहनती है तो कोलकाता पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी क्यों पहनती है? खाकी वर्दी और सफ़ेद वर्दी अंग्रेजों के ज़माने से चलती आ रही है। ब्रिटिश राज्य में जो पुलिस का गठन हुआ था तब पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती थी, लेकिन ज़्यादा देर तक ड्यूटी करने के कारण उनकी जो वर्दी थी वो गंदी हो जाती थी। इस कारण से पुलिस कर्मियों ने वर्दी को जल्दी गंदा होने से बचाने के लिए अलग अलग कलर के वर्दी बनानी शुरू कर दी। सफ़ेद रंग की वर्दी पर अलग अलग रंग लगाने की वजह से जवानों की यूनिफॉर्म अलग अलग रंग के दिखने लगती थी। ऐसा में यह जान पाना मुश्किल हो जाता था कि कौन सा शख्स पुलिस कर्मी है। साल 1847 में अंग्रेज अफसर सर लैरी लैम्सडेल ने पहली बार आधिकारिक तौर पर खाकी रंग की वर्दी को अपनाया था। तब से लेकर अभी तक भारत की पुलिस खाकी रंग की वर्दी पहन रही है। उस समय कलकत्ता पुलिस को भी खाकी वर्दी पहनने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि कोलकाता काफ़ी गर्मी वाला इलाका है और वहाँ की पुलिस वाइट वर्दी इसलिए पहनना चाहते हैं क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है उसे वह रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे गर्मी कम लगती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोलकाता की पुलिस वाइट कलर की वर्दी क्यों पहनती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।